हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे T4 बढ़ के आया है। एक मेरे पास पेशेंट आया है, उसका T3 नॉर्मल है, T4 बढ़ के आया है 16 पॉइंट, जो नॉर्मली 11 से नीचे होना चाहिए। उसका आया है T4 आया है 16 और TSH नॉर्मल है। तो बता दें इसका TSH हाई क्यों है और हाई होने से क्या नुकसान है, क्या ये हाइपोथायरॉयडिज्म में आता है या हाइपरथायरॉयडिज्म में आता है। तो आपको बता दें, जो T4 होता है, जिसको हम लोग केमिकल कंपाउंड से बोलते हैं थायरोक्सिन, जो हम लोग ऊपर से लेते हैं थायरोनॉर्म, एल्टोक्सिन या थायरोक्स का बोलते हैं। T4 जो होता है वो हमारे ब्लड में इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, उसका कोई काम नहीं होता है, वो इनएक्टिव होता है। जो हम लोग का बॉडी का थायराइड है, वो T4 जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में बॉडी में रहता है। जो T3 है, T3 एक्टिव फॉर्म में रहता है। तो अगर बाहर से कोई थायरोक्सिन का टैबलेट ले रहा हो तो उसका T4 बढ़ के आता है, वो नॉर्मल है। अगर बाहर से आपका TSH नॉर्मल है, अगर आप बाहर से थायरोक्सिन का टैबलेट ले रहे हैं, तो वहाँ पे T4 बढ़ के आएगा और T4 बढ़ के आएगा और T3 लो भी हो सकता है। जो आपका T4 है वो ब्लड में जाके एक केमिकल को ब्रेक डाउन करता है, जिससे T3 बनता है। T4 ब्लड में जाके एक केमिकल को ब्रेक डाउन करके T3 बनाता है, जो T3 एक्टिव फॉर्म में होता है। तो ये जो पेशेंट है, ये थायरोनॉर्म खा रही हैं, सौ mg का डेली। तो इनको कोई डॉक्टर लिखा था, T4 बढ़ के आया था, तो गांव में कहीं लोकल डॉक्टर से दिखाई थी। तो इनको वो डॉक्टर T3, T4, TSH कराए हुए थे, जिसमें T4 बढ़ के आया। तो उन्होंने थायरोनॉर्म 100 mcg का डेली एक दे दिए। तो क्या ये सही है? तक ये सही नहीं है। आपका जब TSH नॉर्मल है, T3 नॉर्मल है, अगर T4 बढ़ के आ रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो इनएक्टिव फॉर्म में है। एक्टिव फॉर्म तो T3 है। तो अभी ये पेशेंट को अगर FT3, FT4 और TSH कराए तो ये तीनों नॉर्मल आएगा, समझे। तो बस T4 का जो काम होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में है, उसका कोई काम नहीं रहता है। एक्टिव फॉर्म तो T3 होता है, और T3 अपना ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, और जो TSH होता है वो हमारे ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। तो जब TSH कम बनने लगेगा तो जो जब T3 और T4 कम बनने लगेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड TSH को ज़्यादा बनाता है, इंक्रीज करने लगता है। तो यहाँ पे तो TSH नॉर्मल है, T3 भी नॉर्मल है, जो एक्टिव फॉर्म है वो नॉर्मल है, और जो इनएक्टिव फॉर्म है, जिसका काम है सेल को, जो जिसका काम है थायरोक्सिन को ब्रेक डाउन, वो थायरोक्सिन उसको ब्रेक डाउन करने का, उस बस यही काम है। तो दोस्तों को बता दें कि ये टैबलेट जो थायरोक्सिन होता है वो ऊपर से लेने से हालांकि कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन बिना आप अगर थायराइड आयोडीन का कमी होगा, बॉडी में थायराइड कम बनेगा या थायराइड ग्लैंड में कोई दिक्कत होगा, तब जाके होता है।